दिस इज दिलीप अगेन एंड आज मैं फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ हमारे चैनल बेस्ट एग्जाम के साथ, जो आपको रखे एक कदम आगे। बेस्ट एग्जाम ऑलवेज गिव्स यू वन स्टेप अहेड। सो आज का हम लोगों का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों ने हमारे वीडियो को देख लिया है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो आगे की टेंस को पढ़ने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने आज हमारे चैनल पर नए हैं, जो लोग वे लोग हमारे आई बटन पर दिए हुए वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है जो घटनाएं भविष्य में होंगी, यानी भविष्यकाल। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अगर देखें तो हम लोगों का कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर में जो कार्य कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कुछ ऐसा कार्य जो फ्यूचर में होगा। देखिए आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में बता दिया, भविष्य में कोई कार्य जारी होगा परंतु पूर्ण नहीं होगा। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, वे लोग कार्य कर रहे होंगे बट कंप्लीट नहीं होगा। एन एक्शन दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन द फ्यूचर बट हैड नॉट कंप्लीटेड, ऐसा अगर कंडीशन मिलता है तो उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और उसके पहचान का हिंदी में जो सेंटेंस मिलेगा वो मिलेगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा। इस तरह से हमें कोई भी सेंटेंस मिल जाएगा सेंटेंस के अंत में। आगे देखते हैं और हम लोग का पहला रूल्स क्या कहता है, आई वी सब्जेक्ट। इसमें बहुत ईजी रूल्स होता है फ्यूचर टेंस में कि यहाँ पर सिर्फ आई और वी देखना है। आई वी अगर आता है तो हम लोग सेल बी का प्रयोग करते हैं, और अगर हम लोगों का अदर्स कोई भी सब्जेक्ट आता है, जैसे ही, सी, इट, वी, दे, अदर्स कुछ भी नेम कुछ भी आता है, तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं। और हमारा मेन वर्ब जो होता है, जैसे कि आप लोग को पता है कि कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी टेंस हो तो वहाँ पर हमें वर्ब प्लस आईएनजी अथवा फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोगों को पता है अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है, एक सेंटेंस जो साधारण रूप से हो, वह खाता है, वह खा रही होगी, वह पढ़ रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, वह खेल रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंस जो बनते हैं उसे अफर्मेटिव के कैटेगरी में रखा जाता है। अफर्मेटिव में सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, विल अथवा सेल, बी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। इस तरह से हम अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को सजा लेंगे। अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस को रखते हैं, आपका सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर वह स्कूल जा रहा होगा, रहा होगा इंडिकेट्स द एक्शन दैट इज कंटिन्यूड इन द फ्यूचर एंड नॉट कंप्लीटेड येट। सो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कोई घटना फ्यूचर में हो रहा है पर अभी तक पूरा नहीं हुआ, वह जा रहा है, तो वह का इंग्लिश लिखेंगे ही, देन क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। इस तरह से कितना आसानी से हम लोग जिस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम लोग सजाएंगे और हम लोग का सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, लड़के फील्ड। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, अब सूरज निकल रहा होगा, अब सूरज निकल रहा होगा। सो इस तरह से हमारा तीसरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, अब सूरज निकल रहा होगा, द सन विल बी राइजिंग नाउ। हम लोगों का इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में मतलब होता है कि कोई भी वाक्य नकारात्मक हो। जैसे वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, कोई भी घटना जो कि फ्यूचर में होगा प्लस उसमें नेगेटिव होगा, यानी नकारात्मक वाक्य होगा। तो बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे कि देखने को मिल रहा है। आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस यानी सब्जेक्ट, विल अथवा सेल, नॉट, बी, वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हेल्पिंग वर्ब
मोर देन दो शब्दों से ज्यादा होता है तो तीसरा शब्द हम लोग दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में बैठाते हैं। यहाँ पर हम लोग का हेल्पिंग वर्ब दो शब्द है तो दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पर क्या किए, नॉट को बैठा दिए। याद रखना है यही चीज कि हम लोगों का अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब एक शब्द से ज्यादा हो तो उन दोनों शब्दों के बीच में उस थर्ड वाले शब्द को बैठा दिया जाता है जो उसमें एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पहले बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे तो बच्चे का इंग्लिश क्या होता है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ लिखेंगे विल, देन लिखेंगे नॉट, फिर लिखेंगे बी, इन द क्लास। इस तरह से हो गया, द चिल्ड्रेन विल नॉट बी मेकिंग नॉइज इन द क्लास, बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे। यहाँ पर फिर से आगे रहे होंगे इंडिकेट करता है फ्यूचर कंटिन्यूअस को, तो क्या लिखेंगे, वी। अब देखिए वी के साथ देखते हैं हम लोग क्या यूज किया गया है, शैल का, इसका मतलब यहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे, तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, और उसके बाद क्या आएगा, टुमारो। इस तरह से हमारे ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वी शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, हम लोग कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, कंप्लीट हो गया। नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, इंट्रोगेशन का मतलब ही होता है प्रश्न पूछना, जिसमें कि किसी भी सेंटेंस के एंड में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड, फिर लिखेंगे शैल विल कोई एक लिखेंगे, देन सब्जेक्ट, फिर बी, फिर इसके बाद वर्ब ING ऑब्जेक्ट, और डोंट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क देना बिल्कुल भी ना भूले, WH वर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस का पार्ट होता है जो कि होता है क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, राजू बाजार से क्या खरीद रहा होगा, कितना इजी सा है। देखिए यहाँ पर रहा होगा इंडिकेट करता है हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। राजू यहाँ पर क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट के साथ क्या लिखेंगे, राजू है तो विल लिखेंगे, राजू बी बाइंग फ्रॉम द मार्केट फुट अ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम लोगों का सेंटेंस क्या बन गया, व्हाट विल राजू बी बाइंग फ्रॉम द मार्केट। अगला क्वेश्चन, आपका भाई वहां क्या कर रहा होगा, आपका भाई वहां क्या कर रहा होगा, यहां पर क्या इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट के साथ क्या लिखेंगे, विल, योर ब्रदर फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, बी, डू में ING जोड़ेंगे, डूइंग, What will your brother be doing there? Put a question mark. इस तरह से हमारा second sentence complete होता है, What will your brother be doing there? आइए देखते हैं interrogative sentence के कुछ और example, जिससे कि आपके सारे doubts clear हो जाए। यहाँ पर देखिए sentence है, क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, इसका मतलब इसका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, अगर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में हो और वहां पर आंसर यस अथवा नो, यस और नो में देना संभव हो तो वहां पर हम लोग ये हेल्पिंग क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं, इस क्वेश्चन वर्ड को हम लोग रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब अब क्या लिखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, विल
सुमन, बी रीडिंग, ए पोयम, पुटा क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्या हम लोग फुटबॉल खेल रहे होंगे, इसको अगर देखते हैं तो क्या बनता है, हम लोग और क्या। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं, तो इसको हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। और यहाँ हम लोग है, हम लोग का इंग्लिश होता है वी, तो यहाँ पर लिखेंगे शैल वी बी playing football, shall we be playing football का interrogative sentence complete होता है। आगे बढ़ते हैं और interrogative का कुछ example और उसका sentence structure देख लेते हैं। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल, हम लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव के जैसा ही रहता है, सिर्फ चेंजेस होते हैं, यहाँ पर एक नॉट शब्द आ जाता है। जैसे WH वर्ड सेम, शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी, फिर वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो राहुल पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा था, यहाँ क्यों भी आ गया और यहाँ नहीं भी आ गया, तो इसी से इंडिकेट करता है ये इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस है। आगे देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। क्यों का इंग्लिश लिखेंगे वाई, वाई वाई के साथ लिखेंगे ही विल, क्योंकि विल क्या है, राहुल के साथ आएगा। वाई विल राहुल नॉट बी फ्लाइंग The kite। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाता है, Why will Rahul not be flying kite? आगे का सेंटेंस जो है, पिताजी अखबार क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, इसको बनाते क्यों नहीं, तो फिर से वही क्यों का इंग्लिश लिखेंगे Why will father not be रीडिंग न्यूज पेपर। वाई विल फादर नॉट बी रीडिंग न्यूज पेपर। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ट्रांसलेशन बहुत ही आसान है, आप जैसे चाहें उसी हिसाब से बना सकते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर का ख्याल रखें और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया पर आप लोग ध्यान दें। तो इस तरह से हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक पूरा होता है। और आगे की वीडियो, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे कि उन्हें भी इस तरह से टेंस का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो आगे की वीडियो में मिलने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज दिलीप साहू साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। Stay healthy, keep learning. Bye-bye, take care.